learn neo-mentalism, or you can use another word for it, deviations from Mendel's finding. जितना भी मेंडल ने हमें बताया बहुत हद तक वो सही था, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर वी कुड सी सम वेरिएशन. ओके, जो मेंडल ने बोला उससे कुछ हटके चीज़ें थी जिनको हमने एक नई हेडिंग के अंदर डाला, नियो मेंडलिज्म और द डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग. सॉरी, सबसे पहला हम देखते हैं जो था, सिंगल ट्रेट को एक पर्टिकुलर जीन कंट्रोल करती है जिसके दो अलील होते हैं, राइट. अगर मैंने बोला कि ये हाइट के बारे में, हाइट ऑफ अ प्लांट, तो हमने बोला हाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय टू एलील, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, राइट. सो दैट मीन्स दो अलील होगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. सिंगल ट्रेट डिडंट हैव सिंगल जीन और टू अलील, इट हैड मोर दैन टू अलील. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन ह्यूमन्स. ह्यूमन्स हैड ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ. तो यहाँ पे कितने अलील्स आ गए? तीन अलील्स आ गए, राइट. सो इट वॉज अगेंस्ट द फर्स्ट सेइंग ही यूज टू से कि हर जीन के लिए वी हैव टू डिफरेंट अलील्स. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ अ प्लांट, वी हैव टू अलील, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट. वन इज रिप्रेजेंटिंग द टॉल कैरेक्टर, अनदर इज रिप्रेजेंटिंग द ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स. बट इन ह्यूमन्स द मल्टीपल एलिलिज्म वॉज सीन. यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, मल्टीपल एलिलिज्म वॉज सीन. When you talk about multiple allelism, the best example which you can put in is the blood group. So the second one is, ये उन्होंने बोली हुई चीज़ें जो हमारे सामने हैं, जिसके अगेंस्ट, और वी कैन से मेंडल ने ये सारी चीज़ें बोली थी कि सिंगल ट्रेट का सिंगल जीन होता है जिसके दो एलील होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते. जब दो एलील आते हैं तो एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, ये भी उन्होंने बोला. फिर उन्होंने बोला कि जीन जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है वो क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है, राइट. सो दे कैन गो एंड फिक्स देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ देयर विद देम. सो इनके यू नो ऑपोजिट डिविएशंस जो पाए गए, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज डिविएशंस. The first one is talking about the deviation. They can ask you questions. Once we finish this, I'm going to tell you how to write the questions and the answer, okay? Single trait के single gene होते हैं, लेकिन जब हमने co-dominance देखा और incomplete dominance देखा, so it was against what Mendel said. So let's understand what is incomplete dominance. ये एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. यहाँ पे हमने एक फ्लावर लिया है, यू कॉल इट एज 4 o'clock प्लांट और यू कॉल इट एज मिराबिलिस जलापा. दैट्स अ फ्लावर दैट हैज़ गॉट टू स्पेशल कलर्स, वन इज रेड एंड वाइट. तो क्या किया गया, रेड को क्रॉस किया वाइट के साथ, सो गैमेट क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर. जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट था हमारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये क्या होना चाहिए था, रेड. लेकिन हमारा रिजल्ट आया पिंक फ्लावर. सो मेंडल के एक जो उन्होंने बोला था कि इट शुड बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, वो नहीं हो पाया. और ऐसा नहीं है कि एक ही जीन, इट कैन कम आउट विथ डिफरेंट ऑप्शंस. ओके, सो ये हमने मिराबिलिस जलापा में देखा. So this is a case where F1 hybrid is showing different variation. Okay, instead of giving us red color or white color, अगर दोनों RR होते तो वो white ही देते. ये मेंडल ने बोला था, ये ठीक है, दोनों कैपिटल आ रहा है तो रेड दिया. बट जब मिक्सिंग हो गया तो हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, राइट. द वन विच इज़ एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन द F1 जनरेशन वेन दे आर टुगेदर, कैपिटल R एंड स्मॉल R. तो ऑब्वियसली कैपिटल आर के कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए.
तो मतलब फ्लावर लाल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल. बट हियर व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, द कैरेक्टरिस्टिक्स वेर नॉट डोमिनेंट, इट वॉज शोइंग मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया, राइट. सो व्हाट वील राइट हियर एज जीनोटिपिक रेशियो, अब अगर हम इसका प्यूनिट स्क्वायर भी बनाएंगे तो इट विल बी सो ईजी. यहाँ पे हम लिख देंगे गैमेट, एक आर यहाँ लिखा, एक स्मॉल आर यहाँ लिखा, इसका ही गैमेट बनाया हमने, ठीक है. हमने एफ वन को क्रॉस किया, ये एफ वन है विच इज़ क्रॉस्ड विद अनदर सिमिलर वेराइटी, सो सेम. सो मेल गैमेट रिटन हियर, एंड ये जो है इसके भी दो गैमेट आएंगे, एक कैपिटल आर एंड एक स्मॉल आर, जो कि फीमेल गैमेट है जिसको हमने यहाँ लिख दिया. नाउ वी हैव गॉट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट, वन इज़ कैपिटल आर विच इज़ रेड, वन इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर विच इज़ पिंक, वन इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर विच इज़ अगेन पिंक, एंड स्मॉल आर इज वाइट. सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ डोमिनेंस नहीं आया. तो राइटिंग जीनोटाइपिक रेशियो इज़ अ डिफ़िकल्ट, क्या आप इजीली लिख सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो? कितने जीनोटाइप, मतलब कैसे वो जेनेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कितने कैपिटल आर के कैपिटल आर हैं, ओनली वन, कितने कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, वन एंड टू, फिर कितने स्मॉल आर हैं, वन, दैट इज़ हाउ यू राइट द रेशियो. आई होप रेशियो लिखना ईजी हो गया. फिनोटाइपिक मतलब दिखने में कैसा है, कितना रेड है, वन, कितना पिंक है, वन टू, राइट इज टू टू, देन कितना वाइट है, वन, सो वन इज टू टू इज टू वन, राइट. दिस वॉज फिनोटाइपिक रेशियो. जब भी ये क्रॉस करते हैं एंडिंग में हमेशा जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो देना बहुत ज़रूरी है एज अ रिजल्ट.